मेरी दोस्ती का बाग छोटा सही मगर फूल सारे गुलाब रखता हूं, कम कम जरूर है, कम जरूर है, मगर जो दोस्त रखता हूं लाजवाब रखता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करने वाला हूं कि बैड कंपनी से ज्यादा बेहतर है अकेले रहना। माय लाइफ माय व्लॉग D2H व्लॉग, पूरी संगत से ज्यादा अच्छा होता है अकेले रहना। लेकिन आज के दौर में एक होड़ चल रही है, एक जबरदस्त होड़ चल रही है कि हम अकेले ना रह जाएं, समाज में ऐसा ना हो कि हमें लोग कहें इसका जो दोस्ती नहीं है। इस बात के चलते हम किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, कोई भी। अब वो हम सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स वाला जो एक बचपन में हमें सिखाया गया था, हमें पता होता था कि बुरे दोस्तों के साथ नहीं रहना, वो आज हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। किसी भी ले देखिए, आपके पास दो चार दोस्त होते हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, आप उन्हें उस सर्कल को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस वजह से आप अक्सर उस ग्रुप में रहते हैं और आपका बहुत मजाक उड़ाया जाता है, मतलब इन शॉर्ट ये भी कहा जाता है आपकी ले रहे होते हैं वो लोग, लेकिन आप फिर भी उस ग्रुप को नहीं छोड़ पाते क्योंकि कहते हैं ले देखिए मेरे यही तो दोस्त है, इस डर में आप जी रहे होते हैं। लेकिन मानो या ना मानो, वो जो लिमिट है जो मजाक करने की, वो धीरे 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 बढ़ रही होती है और फिर वो शायद आपकी फैमिली को भी, आपके पेरेंट्स को भी, या कई बार ऐसी मजाक भी करते हैं जो आपको हर्ट होती है, लेकिन आप फिर भी वो मजाक को डाइजेस्ट कर जाते हैं सिर्फ यही सोच के कि यही तो मेरे दोस्त हैं, अगर इनके साथ नहीं बना के रखूंगा तो कैसे चलेगा। लेकिन मानो ना मानो दोस्तों, मेरा कहना है कि उन दोस्तों से बेहतर है आप अकेले रहो, क्योंकि अकेले आप हर्ट नहीं होंगे। और बहुत सारी चीजें मैं इसके बारे में आगे आपको और बताने वाला हूं, जो मेरे को ऐसा मेरा महसूस करता हूं या मेरे को फील होता है उस बारे में। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, इस डर से मत डरिए कि आप अकेले रह जाएंगे, इस डर से मत डरिए कि आप अकेले रह जाएंगे, अकेले रहे लोगों ने ही तो कुछ मुकाम हासिल किया है। सो दोस्तों, मेरा मानना है कि आप अकेले हैं जब आप अपनी खुद की अकेले रह के अपनी कंपनी एंजॉय नहीं कर सकते, तो मानो ना मानो आप कितने भी लोगों के बीच रह लो आपको खुशी नहीं मिलेगी। थोड़ी देर की जरूर मिल सकती है कि मान लीजिए आप एक दोस्तों के साथ गए, आपने पार्टी की, आपको अच्छा लगा कि एक चेंज हुआ, लेकिन आप मानो ना मानो उस पार्टी में आप अगर किसी बैड कंपनी में हो तो आप कुछ गलत काम भी करोगे, आप दारू भी पियोगे, हो सकता है सुट्टा भी लोगे या और भी गलत काम होते हैं वो हम करेंगे, क्योंकि हमें उस सोसाइटी में उन फ्रेंड्स के बीच रहना है, इसलिए हमें करना है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप एक अच्छी कंपनी में हो, जैसे फिजिकली लोग रहते हैं फिट, फिटनेस फ्रीक लोगों के बीच में, जो हेल्दी डाइट के बारे में डिस्कस करें उन लोगों के बीच में है, तो आपका जो रुझान है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो फिटनेस की तरफ जाएगा। आपको लगेगा कि यार मैं अपनी बैलेंस डाइट करूं, अपनी डाइट के बारे में सोचूं, लेकिन अक्सर लोग उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। यही मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताने वाला हूं, बताना चाहता हूं। इस वीडियो का मेरा पूरा पर्पस यही है, जो मेरे फादर ने मुझे कभी बचपन में बोला था, जो कभी कभी मैं भी भूल गया था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बहुत जरूरी है कि आप अपने दोस्त खुद चुने, ना कि आपके दोस्त आपको चुने। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छे दोस्त चुने जिनसे आपको अच्छी आदतें लगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप शेयर मार्केट का आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आपको अगर कोई मिलता है और बोलता है भाई मैं शेयर मार्केट करता हूं, मैं 20,000 रुपए कमाता हूं डेली के या 10,000 कमाता हूं, तो आपको क्या लगेगा, एक लालच कि चलिए मैं भी कमा लूं। निसंदेह आप ट्राई भी करेंगे, उनके साथ जाएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है वाकई ऐसा होता है? इसी तरह कुछ दोस्त आपको ऐसे भी मिलेंगे जो दारू पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपनी बहुत ही पंप एंड शो वाली लाइफ बताएंगे कि दोस्तों मैं तो रोज पार्टी करता हूं, हर वीकेंड मेरे वहां पार्टी होती है, हर वीकेंड में नए नए क्लब जाता हूं, मेरे बहुत बड़ा सर्कल है। इन सब चीजों को जब आप सुनते हैं तो आपके मन में एक निराशा आएगी, यार मेरे तो दो ही दोस्त हैं या दो ही हैं या तीन ही हैं या वो भी कम मिलते हैं, इस तरीके का मन में आएगा, तो आप ऑटोमेटिकली ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो और आप ज्यादा से ज्यादा आप चाहते हो कि मैं भी उसके साथ जुड़ूं, मैं भी पार्टियां करूं। और आप उस अट्रैक्शन में जब आप जाते हैं तो कुछ तो आप करेंगे। तो मेरा मानना है कि दोस्तों, एक बार अकेले रह के तो देखो, ऐसे ग्रुप जिस ग्रुप में आपको लग रहा है कि आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ा रहे हैं, आप हंस रहे हो उनके साथ, अरे नहीं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता एक बार उस ग्रुप को छोड़ के तो देखिए किस बात का डर है?
उनको छोड़िए, एक बार अकेले रहिए, या अपने उन फ्रेंड्स के साथ रहिए जिनके साथ आप कम बोलते हैं या कम टाइम निकाल पाते हैं। सच में हो सकता है अगर मान लीजिए उनको छोड़ने के बाद आपको कुछ रियलाइज भी होता है, आप अकेले सर्वाइव कर पाते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अकेला अपनी कंपनी में भी इंजॉय कर सकता हूं। और ये मानो ना मानो दुनिया में आए अकेले हैं और जाना भी अकेले ही है। तो इसलिए इसी बात से दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा और आप लोगों की राय इस वीडियो पे जरूर जरूर जानना चाहूंगा कि आपका क्या कहना है, कि क्या वाकई ये बात सच है कि अकेले रहना ज्यादा अच्छा है बुरी कंपनियों से। इसके बारे में बहुत सारी कहानियां भी हैं, हमने सुनी है, जिसमें एक बोला जाता था, एक कहानी है बहुत छोटी सी एक एप्पल की, कि अगर एक रोटन एक सड़ा हुआ एप्पल अगर अच्छे एप्पलों के बीच में रख दिया जाए तो वो सारे एप्पल खराब हो जाते हैं। एक कहावत और भी है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो मानो ना मानो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए ये जानना कि आपके दोस्त कैसे हैं। तो यही कहना है, इसी बात से धन्यवाद। और प्लीज प्लीज मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो, ये थॉट पसंद आया, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन दोस्तों पे शेयर कीजिएगा जो गलत संगत में है, जिनको अपने दोस्त बदलने की जरूरत है। थैंक यू। वन लास्ट थिंग दोस्तों जो मेरे मन में है, अक्सर लोगों को ये लगता है कि अकेले रहना बहुत मुश्किल है। मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं मुश्किल है, लेकिन एक छोटी सी बात है, और ये मैं नहीं कहता, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जो योगी लोग होते हैं वो बाय चॉइस अकेले रहना पसंद करते हैं। तो उनका उनकी लाइफ में और एक हम अपनी लाइफ में अगर कंपैरिजन देखें तो एक सिंपल सी बात है कि वो अपनी लाइफ को या अपने डे को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जीते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज कहते हैं जिसे हम। इसलिए वो कह सकते हैं कि उनकी लाइफ आसान है क्योंकि दे आर ऑर्गेनाइज्ड। उन्हें पता है कि सुबह मुझे ये करना है, दोपहर में ये, आफ्टरनून में ये, और इसी तरह इवनिंग और नाइट में क्या। तो एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जब आप जीते हो तो आप अकेले हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं मिलने की। मैं नहीं कहता मिलना बुरा है, आप मिलिए, मिंगल होइए, लोगों को जानिए, ये बात सच है। लेकिन जब आप लोगों से मिलना एक कंपल्शन बन जाता है, आपकी एक जरूरत बन जाता है, एक नेसेसिटी बन जाता है, तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड जो हो जाती है वल्नरेबल हो जाती है। आपकी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी हो जाती है कि आप मतलब बिना मिले नहीं रह पाएंगे, वल्नरेबल हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा मेंटली ब्लॉकेज, यू विल स्टार्ट गेटिंग इनटू योर ओल्ड ब्रेन। तो मेरा मानना है कि अकेले रहना एक अच्छी आदत है। एक अच्छी आदत के साथ आपको अपने साथ रहे हुए समय में काफी कुछ होगा, काफी बातों का, काफी चीजों का रियलाइजेशन भी होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक बुरी कंपनी हो या अच्छी कंपनी हो, कभी कभी अकेले रहना अपने खुद के साथ भी बहुत जरूरी है, जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आता है। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है महात्मा गौतम बुद्ध जी की। उस कहानी में यह है कि उनसे महात्मा बुद्ध जी से किसी ने यह पूछा कि बुद्धा आप हमें बताइए कि मेरा अकेले रहना ज्यादा अच्छा है या किसी के साथ रहना ज्यादा अच्छा। तो उनका जवाब था कि अकेले रहना या किसी के साथ रहना, तो अकेले रहना ज्यादा अच्छा है किसी मूर्ख के साथ रहने के। तो देखिए सिंपल सी बात है, और यही बात अगर मैं कहूं कि फौज में, आर्मी में या और भी कई जगहों पर अगर आप रह रहे हैं, तो आप अगर एक किसी फूल या किसी बुरी कंपनी के साथ रह रहे हैं तो वो चीजें आपको कभी भी आपके काम पे फोकस नहीं करने देंगी, आपको हमेशा डिस्ट्रैक्शन रहेगा। तो इसीलिए भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छी कंपनी का मिलना। और ये बात आप कैसे जानेंगे, मेरे हिसाब से आपको बहुत इस मामले में आप समझदार हैं, आपको पता है कि अच्छी कंपनी का मतलब क्या होता है। जिनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड हो, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दें, आपको क्रिएटिव आइडियाज मिले, हेल्थ टिप्स रहे, हेल्दी रहे, आप फिटनेस वीक रहे, आपकी लाइफ जॉयफुल रहे, जो आपको पास्ट और फ्यूचर की वरीज से बचाए, मेरे हिसाब से उससे बेहतर अच्छी कंपनी हो ही नहीं सकती। धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।